हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी पियानो या कीबोर्ड सीखने की जर्नी में शामिल होना चाहते हैं? क्या आपको भी इंटरेस्ट है पियानो या कीबोर्ड सीखने के लिए? अगर आपका आंसर है यस, तो मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट यहाँ पे लाया हुआ है जिसका नाम है यामाहा का PSS F30 कीबोर्ड। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट कीबोर्ड है। अगर आपको शुरुआत करनी है अपनी जर्नी, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है अभी, तो आप इस कीबोर्ड के सहारे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये कीबोर्ड में बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं जो बड़े बड़े कीबोर्ड में भी दिए होते हैं, ठीक है। ये जो कीबोर्ड है अंडर 4000 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाती है। तो हम आज इस कीबोर्ड का जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं यहाँ पे, और इसमें देखेंगे कि जो इसमें फंक्शन दिए हैं वो सच में यूज़फुल है आपके सीखने के लिए। इसकी टोन्स की क्वालिटी क्या है, इसमें रिदम्स कैसे कैसे दिए हुए हैं आप लोगों के लिए, इंडियंस लोगों के लिए जो रिदम होती है, इंडियंस रिदम, इंडियंस टोन्स, वो कैसे दी हुई है, वो सब हम आज इस कीबोर्ड में देखेंगे। इसके फंक्शंस के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके कीबोर्ड पे यहाँ पे देखा हुआ है बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं जो बड़े कीबोर्ड्स पे दिए होते हैं, तो इसे आज हम अच्छे से टेस्ट करेंगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो नीचे अमेज़ॉन का लिंक भी दिया हुआ है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, या फिर आप जो है छत्तीसगढ़ पे एक म्यूज़िक स्टोर है इलेक्ट्रिक बैंजो, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको ये मिल जाएगी, जिसका आपको एड्रेस नीचे पे दिया हुआ है और फ़ोन नंबर भी दिए हैं, आप अगर चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इसका रिव्यू। तो फ्रेंड्स, ये जो कीबोर्ड है यामाहा PSS F30 इस प्रकार से पूरा पैक होकर आता है। अब इसको हम जो है अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या क्या हमको दिए हुए हैं। यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखिए ये जो है ये इस प्रकार से, ये देखिए ये है कीबोर्ड। बहुत ही छोटा है, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी। इसको ओपन करके देखते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इसकी कीज वगैरह की क्वालिटी क्या है और इसकी बॉडी की क्वालिटी क्या है। देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही छोटा सा कीबोर्ड है। इसको आप आराम से अपने बैग में ले जा सकते हैं। आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं आप, जिसमें आपको कीबोर्ड साथ में रखना है, तो आप इसे बड़े आसानी से वहाँ कैरी कर सकते हैं किसी भी बैग पे, ठीक है। बहुत ही छोटा है। इसके कनेक्शंस के बारे में बताऊंगा, बहुत अच्छा है। सबसे पहले इसका हम जो है ओवरऑल लुक देख लेते हैं, सभी तरफ से बॉडी लुक कैसा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे इसके ऑन करके देखेंगे और क्वालिटी देखेंगे टोन्स और रिदम की। हम इसमें डब्बे के अंदर भी देख लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या मिला हुआ है साथ में अंदर पे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे वारंटी कार्ड है आपका अंदर पे, वारंटी कार्ड, अंदर मैनुअल है यामाहा इस कीबोर्ड की, और यहाँ पे एक केबल दिया हुआ है। इसके साथ अडाप्टर नहीं आता, सिर्फ यहाँ पे केबल दिया हुआ है, और ये केबल मोबाइल में जो हम लोग चार्ज करते हैं वो वाला केबल है, तो इसको आप मोबाइल के चार्जर से ऑन कर सकते हैं या फिर पावर बैंक में भी ऑन कर सकते हैं। तो ये जो है इस कीबोर्ड की सबसे बड़ी खासियत है, इसको आप मोबाइल चार्जर से ऑन कर सकते हो या फिर इसको पावर बैंक के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको पावर बैंक के साथ इसे ऑन करके दिखाऊंगा। ये इसकी खासियत इसलिए बन जाती है क्योंकि आप इसे कहीं भी ले जा रहे हैं साथ में कैरी करके, तो आप पावर बैंक से इसे आसानी से प्ले कर सकते हैं। और पावर बैंक के अलावा इसके पीछे पे आप इसमें बैटरी भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, 4 बैटरी लगती है। आप यहाँ पे बैटरी से भी ऑन कर सकते हैं या मोबाइल चार्जर से भी ऑन कर सकते हैं, पावर बैंक से भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, इसके फंक्शन, टोन, रिदम। ओके, ऑन करके मैं इसे पावर बैंक के साथ अभी ऑन करने वाला हूँ। पीछे की तरफ यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। राइट साइड वाला जो है वहाँ पे आपको इसका प्लग इन करना पड़ेगा, जो पावर देना पड़ेगा। यहाँ पे मोबाइल वाला जो पोर्ट है वो है यहाँ पे पावर बैंक और मोबाइल चार्जर से इसे ऑन कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड वाला है वो फ़ोन या आउटपुट के लिए, यहाँ पे ईयरफोन लगाना है या कुछ आउटपुट देना है। 3.5 mm का यहाँ पे जो है प्लग लगता है।
ओके, इसको जो है हम लोग यहाँ पे पावर बैंक के साथ ऑन करते हैं, देखते हैं कैसा इसका क्वालिटी है। ये मैंने पावर बैंक लगा दिया है, अब जो है इसको ऑन करके देखते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए पावर बैंक के साथ ये ऑन हो गया, तो आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छा चीज़ है। ये जो है 37 कीज़ है इस पर, तो आप बहुत ही कॉम्पैक्ट है, देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शंस भी है, ठीक है, आपको फंक्शन स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें हम वॉइसेस की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 120 वॉइसेस दिए हुए हैं अलग अलग। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पे लिखी है वॉइस, नंबर दिए हुए हैं 01204 जो है पियानो की है, 05207 जो है इलेक्ट्रिक पियानो की है। तो यहाँ पे वॉइसेस के जो है पूरे नंबर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ इंडियन टोन भी है, ठीक है, 75 नंबर से इंडियन टोन्स दिए हुए हैं। ऊपर सॉन्ग के कुछ सैंपल है, स्टाइल है जो रिदम और इंडियन स्टाइल भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम थोड़े से इसके पियानो के टोन्स और जो दूसरे टोन्स हैं उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे प्ले करके देखेंगे कि कैसा साउंड आ रहा है। तो साउंड को अच्छा करने के लिए ना कुछ फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उस फंक्शंस के बारे में आपको मैं यहाँ पे कुछ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है सस्टेन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको जूम करके देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है सस्टेन। सस्टेन का क्या मतलब होता है सब, ये अभी छोटे कीबोर्ड्स में भी आ रहे हैं, पहले बड़े कीबोर्ड्स में ही आते थे, थोड़ा महंगे वाले कीबोर्ड में। सस्टेन का मतलब होता है अगर हम किसी भी कीज़ को हम तुरंत यहाँ पे प्रेस करके छोड़े तो उसका आवाज़ जो है ना वो सस्टेन होना चाहिए कुछ देर तक, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे सस्टेन ऑन नहीं है, तो तुरंत हम अभी कीज़ प्रेस करके छोड़ेंगे तो तुरंत ये बंद हो जाएगा, देखिए, है ना। तो उसको सस्टेन करने के लिए, साउंड को सस्टेन करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला फंक्शन, बहुत ही अच्छा है। छोटे कीबोर्ड में भी ये आजकल दे दिया है। तो इसको ऑन कैसे करना है, यहाँ पे फंक्शन बटन है, फंक्शन बटन को प्रेस करके रखना है और यहाँ पे ये वाला कीज़ को एक बार दबाना है। तो यहाँ पे हो गया सस्टेन ऑन। अब देखिए, देखिए अभी भी आ रहा है ना आवाज़, ये देखिए, ठीक है। तो सस्टेन ऑन करके आप पियानो का जो टोन प्ले करेंगे ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं आपको इस पियानो के टोन पे, फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है पियानो, ठीक है, इसका वॉइस जो है फर्स्ट नंबर पे, अब मैं आपको यहाँ प्ले करके दिखाता हूँ। सुनिए ध्यान से इसको, कीबोर्ड की आवाज़ को। यहाँ पे जो तेरी दीवानी वाला जो सॉन्ग था ना वो मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ कॉर्ड के साथ। देखिए सुनिए इसका पियानो के टोन को, ठीक है, इस तरीके से है पियानो का टोन, है बहुत ही प्यारा है, ठीक है। आप दूसरे टोन भी आप ट्राई कर सकते हो, एक नंबर से जो चार नंबर तक इसमें दिया हुआ है पियानो का है, ये देखिए सेकंड पियानो, ठीक है। जैसे कुछ सेकंड कुछ दूसरा सॉन्ग प्ले करते करके देखते हैं, देखिए बहुत ही प्यारा आवाज है ये, और पियानो का दिया हुआ है, ठीक है, ये पियानो का है। उसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रिक पियानो ऑर्गन दिए हुए हैं, ऑर्गन प्ले करके देखते हैं कुछ, देखो बहुत सारे हैं, आप जो आपको अच्छा लगता है वैसे प्ले कर सकते हैं। कोई सॉन्ग जैसे प्ले करके देखते हैं एक आज, ठीक है। एक मुगला करके सॉन्ग था ना वो मैं प्ले कर रहा था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है इस पे,
यहाँ पे ना थोड़ा मोटा लग रहा है इसका आवाज़, तो हमको क्या ऑक्टो शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो ऑक्टो शिफ्ट करने के भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है, महंगे कीबोर्ड पे ये सब फंक्शन दिए होते हैं। यहाँ पे ऑक्टो करके है, यहाँ पे आप एक ऑक्टो शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे पतला आवाज़ आ जाएगा। देखिए ठीक है ना, इस तरह से ऑक्टो का भी यहाँ पे फंक्शन इसमें दिया हुआ है। अब कुछ और टोन्स एक आध देख लेते हैं, जैसे इसमें बेस है, स्ट्रिंग है, सैक्सोफोन है, ठीक है, एक स्ट्रिंग का टोन हम लोग देखते हैं कुछ। देखो ये स्ट्रिंग का टोन बहुत अच्छा है। कुछ सॉन्ग प्ले करके देखते हैं, जैसे एक पुराना सॉन्ग था क्या हुआ तेरा वादा, ठीक है, वो देखिए। इसके जो कीज़ भी है ना बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे बड़े कीबोर्ड में रहते हैं ना वैसे सॉफ्ट है, मेटेलिक लुक है पूरा ब्लैक कीज़ का इसका, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है प्ले करने पे। और बहुत सारे इसके जो टोन्स हैं वो आप देख सकते हैं, कुछ इंडियन टोन्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 075 में हारमोनियम है, यहाँ पे 075 ये हारमोनियम, यहाँ पे ना सस्टेन थोड़ा ऑफ करते हैं क्योंकि दूसरे पियानो पे सस्टेन अच्छा लगता है, दूसरे टोन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है। देखिए अब बहुत ही अच्छा टोन है, ठीक है, आगे और बहुत सारे टोन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सितार का है, और आगे जाएंगे तो शहनाई वगैरह भी दिए हुए इस पे। ठीक है, शहनाई का है, और आगे तबला वगैरह का दिया हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ दिए हुए हैं। ये कुछ इंडियन किट है जिसमें अलग अलग इंडियन स्टोन है, अलग अलग कीस में यहाँ पे सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ वॉइसेस है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में इस कीबोर्ड के हिसाब से, छोटे कीबोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं, अभी ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते, बजट नहीं है, तो आप ये कीबोर्ड ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वॉइस, वॉइस का यहाँ के यहाँ पे बटन दबाएंगे, उसके बाद नंबर दबाएंगे तो वॉइस लगेगा। ऊपर लिखा है फिर स्टाइल, स्टाइल मतलब रिदम वगैरह जो दिया होता है ना वो यहाँ पे स्टाइल है, बहुत सारे हैं, पॉप, बैलेट, डांस एंड डिस्को, स्विंग, जैज, ये सब बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर में यहाँ पे सॉन्ग एंड स्टाइल का एक बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नंबर लगाएंगे, ठीक है। जैसे 101 में किए तो यहाँ पे पॉप लिखा हुआ है 101। अब यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप वाला जो बटन है यहाँ पे ऑन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप कॉर्ड लगा सकते हैं। देखिए इस पे क्या होता है, अगर सॉन्ग स्टाइल आप ऑन करेंगे ना तो यहाँ पे लिखा है कॉर्ड फिंगरिंग, ठीक है, यहाँ से जो इधर वाला पार्ट है आप यहाँ पे कॉर्ड का जो यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आप रिदम लगाएंगे तो यहाँ पे कॉर्ड का जो अकॉम्पनी है ना वो चेंज होगा। देखो सी मेजर लगा रहा हूँ तो अब एफ मेजर लगा रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे दिए, इसको आप आगे करके देख सकते हैं,
यहाँ पे पियानिस्ट लिखा है, पियानिस्ट के लिए कुछ यहाँ पे दूसरा इन्होंने रिदम दिया हुआ है, शायद ये अनप्लग जैसे कुछ होगा। ये देखिए बहुत सारे इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे। कुछ जो है यहाँ पे इंडियंस भी, यहाँ पे इंडियंस रिदम भी दिए हुए हैं 192 पे, जैसे भजन दिया हुआ है 192 अगर लगाते हैं हम लोग तो। ये देखिए यहाँ पे ऑटो फिल है, ठीक है। बॉली मिक्स लिखा है 193 में। ठीक है, फिर 197 में भांग रहा है। ये देखिए 199 में राजस्थानी लिखा हुआ है। साथ साथ आप कुछ भी प्ले कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे रिदम और वॉइसेस जो है इस कीबोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा दिए हुए हैं इस रेंज पे, ठीक है, अंडर 4000 वाले कीबोर्ड पे। ठीक है, ये हो गया इसका वॉइस एंड रिदम। अब जो हम लोग आते हैं थोड़े से फंक्शंस को देखते हैं जूम करके यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या फंक्शन इस पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको सस्टेन बताया हुआ था, पियानो का आवाज़ लगा लेते हैं यहाँ पे, वॉइस पियानो सस्टेन। फंक्शन को प्रेस करके यहाँ सस्टेन दबाएंगे ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कीज के जो साउंड है ना उसको ट्रांसपोज करना, आगे या पीछे करना। ये जो ट्रांसपोज है, सपोज हम लोग यहाँ पे एफ वाला की प्रेस कर रहे हैं, ये एफ का आवाज़ है। ठीक है, अगर हमको ट्रांसपोज करना है, इस एफ का आवाज़ को हमको ट्रांसपोज करके इस जी में चाहिए। ठीक है, यह फिर समझ लीजिए जी का आवाज़ को ना हमको एफ में चाहिए। जी का आवाज़ सुनिए पहले। अब ये वाला जो आवाज़ है ना वो हमको इस जगह पे चाहिए एफ़ में, कितने की पीछे, 1 2 टू की जो पीछे है, मतलब हमको ट्रांसपोज करना है उसको। ठीक है, तो ये फंक्शन वाला की है उसको प्रेस कीजिए, और ये प्लस वाला 2 टाइम्स प्रेस करेंगे तो ये एफ़ की जगह जी की आवाज़ आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है, 2 की जो शिफ्ट हो गया साउंड, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको 0 में कर देते हैं, ओरिजिनल आवाज़ आ गया। अब यहाँ पे लिखा है ट्यूनिंग। ट्यूनिंग भी वही चीज़ होता है, थोड़ा ट्रांसपोज टाइप का ही है। इसको ट्यून करना मतलब अपने कीबोर्ड के फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसपोज करना होता है। यहाँ पे लिखा है मेट्रोनोम। अब मेट्रोनोम ना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे कीबोर्ड में नहीं दिया होता है मेट्रोनोम। आप जब रिदम की प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो ज़रूरी होता है। यहाँ पे लिखा है मेट्रोनोम, ये वाले ब्लैक की इसमें लिखा है ऑन एंड ऑफ, ये वाले में लिखा है दो वाइट के प्लस एंड माइनस। मेट्रोनोम मतलब एक बीट प्रोवाइड होता है, रिदम प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कांस्टेंट एक बीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको मेट्रोनोम बोलते हैं। अब यहाँ पे जो प्लस एंड माइनस लिखा है ये जो है इसका जो वो होता है टाइम सिग्नेचर। ठीक है, 4/4 3/4 ये सब दिया हुआ है। अभी डिफ़ॉल्ट जो है ये 4/4 में, मतलब 4 बिट के बाद रिपीट हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कुछ सॉन्ग 3/4 में रहते हैं तो उसको माइनस करोगे 3 बिट के बाद रिपीट हो जाएगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस प्रकार से। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 4/4 में रहता है। आपको ये सब जानना है ना अगर, तो आप जो है हमारे म्यूज़िक थ्योरी वाला जो वीडियोस है वो देख सकते हैं। बहुत सारे उसमें वीडियोस मैंने डाले हुए हैं म्यूज़िक थ्योरी से, जिसमें टाइम सिग्नेचर टेम्पो वगैरह सब चीज़ समझाया हुआ है। ठीक है, वो आप देख लीजिए। और आपको अच्छे से पियानो सीखना है तो आप हमारे जो है कोर्सेज ले सकते हैं, या लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर इसकी क्वेरीज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको पूछना है कुछ। उसके बाद अगर राइट साइड आए तो यहाँ पर दिया हुआ है सॉन्ग स्टाइल वॉल्यूम। तो स्टाइल और सॉन्ग का जो वॉल्यूम है ना वो यहाँ से चेंज होगा। प्लस एंड माइनस ये दो कीज़ है, फंक्शन बटन दबा के यहाँ पे आपको करना पड़ेगा।
इसके बाद जो है सिंक एंड स्टार्ट का बटन है, ये सिंक करने के लिए है। कॉर्ड फिंगरिंग है, मतलब आप अगर कॉर्ड फिंगरिंग यहाँ से इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो इधर जो है वो स्प्लिट हो जाएगा आवाज़। मतलब ये वाला जो की है, इसके लेफ्ट साइड वाला जो है आपके लिए कॉर्ड का काम करेगा, जिसमें आप स्ट्रिंग वगैरह सेट कर सकते हो, और इधर पियानो की आवाज़ रहेगी। ये स्मार्ट कॉर्ड्स की है, आपको कॉर्ड्स के अलग अलग वेरिएशन यहाँ पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे बैटरी टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। बैटरी अगर पीछे पे लगाएंगे ना, बैटरी टाइप पीछे में बैटरी लगाएंगे, तो उसका यहाँ पे टाइप आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर फंक्शन की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, AL, और ये 1AL करके आ रहा है, कुछ 1 करके आ रहा है, ठीक है, ये बैटरी का टाइप है एक्चुअली। यहाँ पे ऑटो पावर ऑफ ऑन कर सकते हो, जैसे ऑटो पावर ऑफ ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ पे सेकंड लिखे रहेगा, अगर 10 मिनट लिखे रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर 10 मिनट करके रखेंगे, 10 मिनट तक यूज़ नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाएगा अपने आप। उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम की लिमिट लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे फंक्शन करके यहाँ पे सेट करते हैं, जैसे 10 सेट कर दिए तो यहाँ से 10 के ऊपर नहीं जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, मैक्सिमम 15 तक है। तो ये जो है इसका फंक्शन है कीबोर्ड का। तो ये जो कीबोर्ड है ना, ओवरऑल अगर हम इसे प्ले करके देखें, मैंने इसे पियानो के टोन प्ले किया है अच्छे से, मुझे बहुत पसंद आया जिस हिसाब से ये इसका रेंज है। यामाहा के वैसे भी पियानो के टोन बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो इसके रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, छोटा कीबोर्ड के हिसाब से आप आराम से परचेज कर सकते हैं बिना सोचे समझे, अगर आपको इस रेंज पे कीबोर्ड लेने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही रखते हैं अभी अनबॉक्सिंग का, ये कैसा लगे हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। आगे अगर कुछ दूसरे मॉडल का आप चाहते हैं रिव्यू या अनबॉक्सिंग, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उस प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको टोन्स और इसकी क्वालिटी के बारे में बताया, फंक्शंस के बारे में बताया। तो मेरे हिसाब से ये जो कीबोर्ड है बहुत ही अच्छा है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, छोटे कीबोर्ड लेना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप ले सकते हो इसको, ठीक है। कॉल्स भी आप थोड़ा प्ले कर सकते हैं इन्वर्जन करके, मैंने आपको जैसा कि बताया है इस पर, ठीक है। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, या ऑफलाइन भी यहाँ हमारे स्टोर पर आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।